हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल सिविल की पाठशाला में। दोस्तों, आज हमारे पास एक आई सेक्शन है। इस आई सेक्शन का हमको दोस्तों सेंट्रॉयड निकालना है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि आप मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में कैसे किसी भी सेक्शन का सेंट्रॉयड निकाल सकते हैं। और जो ये दोस्तों सेंट्रॉयड का क्वेश्चन होता है, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के कन्वेंशनल का अगर कोई पेपर होता है तो उसमें ये पक्का पूछा जाता है। और दोस्तों जो डिप्लोमा का सिलेबस होता है, उसका एग्जाम होता है, उसमें तो ये श्योर आता है। तो दोस्तों कुल मिला जुड़ कर ये सेंट्रॉयड का क्वेश्चन, ये सेंट्रॉयड के बारे में जानना या कैसे निकाला जाता है, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई सेक्शन आई सेक्शन है, तो हम दोस्तों इस आई सेक्शन को 3 रेक्टेंगल में बांटते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों पहले 3 रेक्टेंगल में कैसे बांटते हैं, पहले ये जो टॉप फ्लेंज हमारा है, देखिए ये जो टॉप फ्लेंज है इसको अलग करते हैं, वेव को अलग मानते हैं, इस बॉटम फ्लेंज को अलग मानते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करते हैं दोस्तों, शुरू में सबसे पहले एक टेबल ड्रा करते हैं। टेबल में सबसे पहले जो हमारा कॉलम होता है वो कंपोनेंट होता होता है, तो कंपोनेंट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें 3 रेक्टेंगल हम आपको पहले ही बताएं कैसे बांटते हैं, 3 रेक्टेंगल में टॉप फ्लेंज, वेव और बॉटम फ्लेंज। तो रेक्टेंगल फर्स्ट यानी ये टॉप फ्लेंज, रेक्टेंगल सेकेंड यानी वेव, और रेक्टेंगल थर्ड यानी बॉटम फ्लेंज। तो इसका एरिया निकाल, रेक्टेंगल फर्स्ट का एरिया निकालते हैं। तो रेक्टेंगल फर्स्ट में दोस्तों दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100, ये पूरा यहाँ से तक 100 × 20, तो एरिया जो निकलेगा 100 × 20 का निकलेगा, ठीक है। और रेक्टेंगल सेकेंड का जो एरिया निकलेगा, इसे देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 250 का है, और जो ये डिस्टेंस है ये कितना है 20, तो रेक्टेंगल सेकेंड का जो एरिया निकलेगा 250 × 20, ठीक है। अब देखिए हम तीसरा निकालते हैं बॉटम फ्लेंज का, तीसरे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, ये दिया 150, ठीक है, और ये जो दिया हुआ 30, तो हम करते हैं 150 × 30, ये हमारा जितना आता है 45,000, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको निकालना है सेंट्रोइडल डिस्टेंस वाई फ्रॉम एल, ठीक है, ये एम में निकलेगा। तो दोस्तों ये हमको हर रेक्टेंगल का, ये जितना रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल हम माने हैं, ठीक है, इन रेक्टेंगल का हमको अलग अलग रेक्टेंगल का वाई एक्सिस चाहिए, ठीक है। और कहाँ से चाहिए हमको, हमको दोस्तों बेस से चाहिए यानी एल से चाहिए, हमको एल से हर रेक्टेंगल का वाई एक्सिस चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर टॉप फ्रेंज यानी रेक्टेंगल फर्स्ट का बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो वाई एक्सिस जाएगा इसके सेंटर जाएगा, ठीक है, यानी जो अगर हम वाई एक्सिस निकालेंगे तो ये देखिए ये 30, ठीक है, प्लस 250 यहाँ तक पहुँचे, और प्लस इसके आधे पहुँचना हमको 20 का आधा 10, ठीक है। तो 250 प्लस 10 और प्लस 30, ठीक है, इसको जब ऐड करें कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 290। अब हम बात करें दूसरे तरीके से, ये दूसरा रेक्टेंगल, ठीक है, दूसरे रेक्टेंगल का वाई एक्सिस निकालना है। तो दूसरे रेक्टेंगल का जो वाई एक्सिस है यानी वेव का जो एक्सिस, जो वाई एक्सिस है वो कहाँ से जाएगा दोस्तों, ये 250 का आधा 150 से जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से 150 हो गया, ठीक है, और यहाँ बेस से हम बात करें तो बेस ये 30 और है यानी 30 और है, यानी बेस अगर हम बात करें 30 प्लस 250 का था 125, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे सेकेंड रेक्टेंगल का जो वाई एक्सिस होगा वो कितने पे लाई करेगा, 30 प्लस 125, तो इसको जो ऐड करें कितना हो जाएगा 155, ठीक है। अब हम तीसरे रेक्टेंगल की बात करते हैं यानी बॉटम फ्लेंज की बात करें, इसका वाई एक्सिस जो जाएगा ये 30 का आधा 15 पे जाएगा, 15 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस होगा इस तीसरे रेक्टेंगल का ये कितना होगा 15, ठीक है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो हमारा आई सेक्शन है ये दोस्तों वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल है, यानी जो ये हमारा आई सेक्शन है ये वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल है। अतः दोस्तों हमको एक्स बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस वाई बार निकाल लें, हमको वाई बार निकाल लें तो हमको पूरा सेंट्रॉयड, इस आई कॉर्ड का सेंट्रॉयड हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए हम यहाँ पे बस वाई बार ही निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया वाई बार कैसे निकाल लिया, वाई कैसे निकाला, ठीक है, हर रेक्टेंगल का वाई कैसे निकाला। अब हम क्या करते हैं, अगला जो कॉलम आता है ए इंटू वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो रेक्टेंगल फर्स्ट का ए निकला है 2000 × उसका वो जो वाई है कितना है 290, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, दूसरे रेक्टेंगल का 5155 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, इस प्रकार से 4500 × 15 इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अगला हमारा स्टेप होता है हम सिग्मा ए निकालते हैं,
यानी जितना ए आया है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल फर्स्ट का ए, रेक्टेंगल सेकंड का ए, रेक्टेंगल थर्ड का ए, ये हमने सिग्मा ए निकाल लिया, तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सिग्मा ए वाई निकालते हैं, ठीक है। तो सिग्मा ए वाई, ठीक है, रेक्टेंगल फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, ये तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा निकल जाता है सिग्मा ए वाई, वो निकला इतना। तो दोस्तों जो वाई बार का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा ए वाई इंटू सिग्मा अरे सॉरी वाई बार बराबर होता है सिग्मा ए वाई अपान सिग्मा ए, ठीक है। तो हम सिग्मा ए वाई का मान यहाँ पे रखते हैं कितना है, इतना है, इसको लाके यहाँ पुटअप करते हैं। और सिग्मा ए का मान कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इसको लाके यहाँ पे पुटअप करते हैं। इसको जो जब हल करते हैं तो दोस्तों कितना आता है, 123.7 mm, ठीक है। यानी जो हमारा वाई बार आया कितना आया, 123.7 mm। तो दोस्तों हम नापेंगे कहाँ से, तो दोस्तों जितने भी हमने वाई की जो दूरी निकाली थी हर रेक्टेंगल की अलग अलग, कहां से निकाली थी हम दोस्तों, इसके बेस निकालते, इस आई सेक्शन के बेस निकालते थे, यानी एल एल से निकालते थे, ठीक है, निकाले थे। अतः जो वाई बार निकलेगा दोस्तों, ये वाई ये यहाँ एल एल से आएगा, यानी इसके बेस से आएगा। तो इसके बेस से हम इसी वाई एक्सिस पर ही 123.7, ठीक है, इतना दूरी नाप करके लाइट एक लाइन खींच लेते हैं। देखिये यहाँ पे 123, वाई बराबर 123.7, यहां से यहां पे गए, एक लाइन खींचा, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो दोस्तों जो इसका सेंट्रॉइड हमको प्राप्त हो गया है, ठीक है, तो वाई बार हमारा कितना निकल गया दोस्तों, 123.7 mm। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो के पहले मैंने इस चैनल पर SOM के कई टॉपिक को अपलोड किए हैं, उसको आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कोई ट्रायंगल, ठीक है, एक कोई ट्रायंगल है, इसकी ये वाली लंबाई जो है, इस भुजा की जो लंबाई है कितनी है, बी है, और इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, एच है। तो दोस्तों हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किस पे, एल एल पे चाहिए, यानी इस बेस पे चाहिए। तो हमको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करिएगा, किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।